राखी जी। हाय राखी जी। हाय एवरीवन। कैसे हो दादा? प्रणाम। आज मैं ठीक हूँ। रुक जा रुक जा रुक जा। ओ तंबी, कैसे हो तंबी? कन्नड़ा इडली डोसा खा लो, मुझे इडली डोसा खिलाओ। नहीं नहीं हाँ जा रे भाई मेरा। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। राखी सर जी, बपीदा के अंतिम संस्कार से आए आप, क्या कहना चाहते? हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे मैं, पप्पा तो अमेरिका में रहते हैं ना, पप्पा आ गए ना, पप्पा उनकी वाइफ आ गए अमेरिका से, और पता नहीं था, मेरा किसी के कांटेक्ट में नहीं था नंबर का, तो मुझे कैसे जाना, कहाँ जाना हमें नहीं पता था, बट आई एम सो हैप्पी कि पप्पा, उनके वाइफ और उनके बच्चे सब लोग आ गए, पप्पी दादा और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी गए हैं। पप्पी दादा को मैं यकीन ही नहीं मान रही हूँ कि पप्पी दादा हमारे बीच में नहीं है। पप्पी दादा, लता जी सब हमारे बीच में है, सिर्फ शरीर चला जाता है, आत्मा नहीं जाता। उनके गाने, उनकी आवाज़ें, उनके ट्यून सब जिंदा है, हमारे में है, संसार में है। संसार में इंसान जन्म लेता है तो उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, ये शरीर को छोड़ना पड़ता है, ये शरीर जो है वो कभी साथ नहीं देता। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जितना हो सके हमें बहुत नेक काम करने चाहिए, लोगों को फगीव करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो लिखित है, कोई अमर नहीं है, एक दिन जाना है, बड़ा अच्छे काम करके जाना है। इसलिए मैंने जिसके साथ बुरा किया है मैंने सबको माफ़ कर दिया, और वो लोग भी मुझे माफ़ कर दें मेरे सारे गुनाह, क्योंकि हमें नहीं पता आज हमें कल नहीं है। जी भर कल हो ना हो, कौन सा गाना है? हाँ भाई, आपके पिक्चर का। हाँ शाहरुख जी का गाना है ना, इतना अच्छा गाना है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं तो धूप जिंदगी हर पल यहाँ। जी भर के जियो, जिंदगी एक ही है, जी भर के जियो, लोगों का भला करो, लोगों का अच्छा करो। गरीब अगर कोई भूखा है तो उसको रोटी खिलाओ, किसी के पास कपड़ा नहीं है, अगर अपने पास दो शर्ट है तो उसको एक शर्ट दे दो, कंबल दो है तो एक कंबल दे दो, ईश्वर इसी में खुशी रहता है, और फिर वो ईश्वर बहुत आशीर्वाद देता है। हम खाना खाते हैं तो हमारा आधा खाना किसी गरीब को दे दो, तो गॉड इसमें प्रसन्न रहता है, क्योंकि जन्म देने वाला और प्राण लेने वाला गॉड ही है। मैं अपने शरीर पर गहने नहीं पहनती, मेरे अपने शरीर, अपना बैंक बैलेंस और अपना प्रॉपर्टी उतना नहीं बनाती हूँ जितना के प्रभु के बच्चों को मैं डोनेशन करती हूँ। तो मैं जितना भी मेरे से हो सकता है मैं डोनेशन में, गरीबों में बहुत बिलीव करती हूँ, जो कैंसर है कैंसर वालों को, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिनको है उनको मैं करती हूँ अपने हिसाब से, जितने मेरे चादर है मैं उतना ही पैर फैलाती हूँ। मैं कोई अमीर नहीं हूँ, बट मैं एक रोटी में से आधी रोटी देने में बिलीव करती हूँ। बाय। कल अफसाना की शादी में मैं जा रही हूँ। ओके। मेरा इंडिगो का फ्लाइट है, एयरपोर्ट सुबह 9:30।
ओके मॉर्निंग ठीक है 9:30 बजे किटू की वाली का फ्लाइट मैं आसाना की शादी तो आएगा आएगा मेरे लिए क्या लाएगा खाने को जूस लेके आ जूस चिकन चिकन बाकी अंदर है वाह क्या बात है वाह थैंक यू